और इधर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर राजभवन के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इस दौरान कांग्रेस का कोई नेता रिक्शा चला रहा था तो कोई रिक्शे पर बैठा था। महंगाई के खिलाफ इस महाभारत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध का सहाय खुद रिक्शा वाला बन और उनके रिक्शे पर सवार थे मंत्री आलमगीर आलम और पार्टी की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा। नहीं नहीं, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, मोदी सरकार होश में आओ के नारे की धक्की लिए हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी धरने पर बैठे। दूसरी ओर राजभवन के पास कांग्रेस के धरने में ठेले पर स्कूटी और गैस सिलेंडर लदे हुए थे। मुक्त भारत अभियान के तीसरे चरण में आज प्रदेश कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसी राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं। ये राजभवन से सीधी तस्वीर है, देख सकते हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, सुबोध कांत सहाय समेत कई पार्टी के विधायक और नेता यहाँ पर इस धरना में मौजूद है और लगातार कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आम जनता को धोखा देने की काम करने का काम किया है, ठगने की काम कर रही है और गुमराह करने की काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता सड़क पर उतरे और राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत के अंतर को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, जबकि गीता कोड़ा ने कहा कि जब तक भारत महंगाई मुक्त नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत बड़ी आबादी, मतलब पूरे भारत ही इससे प्रभावित है और इसलिए हम लोग मजबूर हो करके सड़क पर आना पड़ा कि भाई आपको ये महंगाई कम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार आम नागरिकों के जेब में डाका डाल रही है उसे अब रुकना होगा। $150 प्रति बैरल हमने तेल खरीदा था, फिर भी हम 64 से आगे नहीं बढ़े थे। आज मोदी की सरकार जब आई थी तो $37 प्रति बैरल हो गया था, उसी वक्त से इन्होंने मांगा तेल का दाम बढ़ाना शुरू किया। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक में महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने के निर्देश दिए गए थे। यही वजह की पार्टी नेता एक बार फिर राजभवन के सामने धरने पर बैठे। हालांकि सच ये भी है कि झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर 22% वैट है, साथ ही ₹1 अतिरिक्त सेस लगा है, लेकिन राज्य में वैट कम करने को लेकर कांग्रेस ने कभी कोई पहल नहीं की। जबकि कांग्रेस न सिर्फ मोदी सरकार में शामिल है बल्कि राज्य का वित्त मंत्री भी कांग्रेस के कोटे से। जो दिग्गज चेहरे हैं झारखंड में कांग्रेस के, वो एक सुर में ये कह रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस तब तक आंदोलन करेगी जब तक महंगाई पर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।